हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तला और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम रेविट में स्पैनिश रूफ टाइल्स किस तरह बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ फैमिलीज़ आपके प्रोजेक्ट में लोड करना होगा। तो फैमिलीज़ लोड करने के लिए इंसर्ट, फिर लोड फैमिली, और यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं तीन फैमिलीज़ हैं यहाँ पर। आप लोग हैं ये मेरे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तीन फैमिली सेलेक्ट करने के बाद फिर ओपन। तो सबसे पहले मैं एक रूफ क्रिएट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे रूफ क्रिएट कर लिया, और इस रूफ पे मैं अब स्पेनिश जो रूफ टाइल्स हैं वो अप्लाई करूँगा। तो टाइल्स इस पे लगाने के लिए आपको स्ट्रक्चर में जाना होगा, स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद यहाँ पे बीम सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्क प्लेन सेट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे सेट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे पिकअप प्लेन, फिर ओके। और जो भी रूफ के आप जो भी फेस पे जो ये टाइल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं वो फेस सेलेक्ट करना है। तो जैसा मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं कर्सर यहाँ लेके गया स्केच पे, तो आप जैसा देख सकते हैं ये पूरा ट्रायंगल या ये पूरा फेस हाईलाइट हो गया। तो उसके बाद बस आपको क्लिक करना है और ये फेस सेट हो गया। अगर आप देखना चाह रहे हैं वर्क प्लेन तो यहाँ पे शो पे क्लिक कर सकते हैं, शो वर्क प्लेन पे। और जैसा आप लोग देख सकते हैं ये फेस पे वर्क प्लेन सेट हो गया। मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद अब आपको बाउंड्री लाइन सेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं बाउंड्री लाइन, फिर यहाँ पे पिक लाइंस टूल सेलेक्ट करके जैसे ये पूरा फेस आपको सेलेक्ट करना है, ये लाइन, ये लाइन, फिर यहाँ पे और ये पूरा फेस सेलेक्ट हो गया। उसके बाद जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो लाइंस है, ये जो दो एक्स्ट्रा लाइन है, ये जो है सो इसका जो बीम का जो डायरेक्शन है वो शो कर रहे हैं। तो अपने को इसका डायरेक्शन चेंज करना है। उसके लिए यहाँ पे बीम डायरेक्शन है, तो इस पर ये सेलेक्ट करके यहाँ से लाइन लेके अपने को एक लाइन यहाँ से इस तरह ड्रॉ करना है 90 डिग्रीज पे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्रीज पे ड्रॉ करना है ताकि स्ट्रेट रहे। और आप लोग देख सकते हैं ये लाइंस, अब ये डायरेक्शन लाइंस ऐसा चेंज हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर पैटर्न में आपको जो है सो ये जो लेआउट रूल है इसको फिक्स डिस्टेंस पे रखना है, और फिक्स्ड स्पेसिंग को आपको 9 इंचेस रखना है। अगर आप मेट्रिक में काम कर रहे हैं तो इसको 19 सेंटीमीटर या फिर 190 मिलीमीटर्स रखना है। और उसके बाद जस्टिफिकेशन को सेंटर में रखना है, और बीम टाइप जो है सो यहाँ पे आपको सेरामिक्स लेना है, टाइल सेरामिक्स, ये जो फैमिली अपन अभी इम्पोर्ट करें। उसके बाद बस फिनिश एडिट मोड, और यहाँ पे अपने टाइल्स क्रिएट हो गए। बट लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये रूफ़ के अंदर जा रहे हैं टाइल्स, तो उसको अपने को थोड़ा बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए सबसे पहले अपने को डिसोसिएट वर्क प्लेन करना है, ताकि इन दोनों को, रूफ़ को और वर्क प्लेन को अलग अलग करना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो लॉक आइकन है इस पर क्लिक करना है आपको, और फिर अपन फ्रंट व्यू में चले जाएंगे। और अगर अपन विजुअल स्टाइल वायर फ्रेम में कर लिए तो और क्लियर दिखता है। उसके बाद यहाँ से मूव टूल लेके इसको अपन ऊपर ला लेंगे। ये जो रूफ़ की जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन रूफ़ की है उस पर अपन रख देंगे, और इस तरह अपन ये टाइल्स क्रिएट कर लिए। और यही चीज़ अब आपको और यही चीज़ आपको यहाँ पे दूसरे फेसेस पे भी रिपीट करना है। तो उसके लिए फिर स्ट्रक्चर, बीम सिस्टम, पहले अपन वर्क प्लेन सेट कर लेंगे, फिर बाउंड्री लाइंस, फिर उसके बाद डायरेक्शन। अब ये इसका जो एंगल है इस पर आपको फोकस करना चाहिए ताकि ये स्ट्रेट रहे 90 डिग्रीज पे। उसके बाद यहाँ पे सब सही है या नहीं जस्ट चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर ओके।
और अपन ये फेस पे भी टाइल्स क्रिएट कर लिए। तो उसके बाद फिर अपने भी इसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले अपन डिसोसिएट वर्क प्लेन पे करेंगे, क्लिक करेंगे ताकि यह अलग अलग हो जाए। उसके बाद फिर लेफ्ट व्यू में फिर अपन इसको चेंज कर देंगे वायर फ्रेम में, और फिर ये जो मूव टूल लेके इसको बाहर निकाल देंगे। और अपन ये दो फेसेस पे टाइल्स क्रिएट कर लिए। उसके बाद अपन बस इसको मिरर कर लेंगे। तो उसके लिए मैं लेवल टू पे जाता हूँ जहाँ पे ये रूफ क्रिएट करा था मैं। तो फिर अब अपन ये सेलेक्ट करके ये जो वर्क प्लेन है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन करने के टाइम पे ये चीज़ ज़हन में रखना चाहिए कि आपको ये सेपरेटली ये टाइल सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि ये पूरा जो फ्रेम है वो सेलेक्ट करना है। तो फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कर्सर लेके गए इसके एज पे, और जैसे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग सिस्टम हाईलाइट हो गया। तो इस पर आपको क्लिक करना है और पूरे टाइल्स इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं ये स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग सिस्टम सेलेक्टेड है। उसके बाद मिरर मिरर टूल लेके आप बस मिरर कर दीजिए यहाँ से मिड पॉइंट से। उसके बाद अपन ये वाले फेस के साथ भी वही रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे कर्सर लेके गए, अगर आप फेस हाईलाइट ये फ्रेम हाईलाइट ना हो रहा तो आपको टैप की प्रेस करना है, और जैसा अब फ्रेम हाईलाइट हो गया उसके बाद फिर क्लिक करके फ्रेम सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ से फिर से मिरर और अपने को इसके सेंटर से, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसका मिड पॉइंट जो है अपन इजीली सेलेक्ट नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइल्स हैं। तो इसके लिए इसका असल जो मिड पॉइंट है वो सेलेक्ट करना मुश्किल हो रही है। तो उसके लिए अपन एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके बाद उसके लिए यहाँ पर आर्किटेक्चर में मॉडल लाइन, यहाँ से थोड़ी अपन एक लाइन लेके रूफ़ के एंड तक ऐसे एक लाइन क्रिएट कर लेंगे ताकि अपन आसानी से मिड पॉइंट सेलेक्ट कर सके इसका। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे माउस ला के यहाँ पे कर्सर ला के टैप फ्रेम हाईलाइट हो गया, फिर क्लिक कर गया। उसके बाद फिर यहाँ से मिरर इसके मिड पॉइंट से, और ये मिरर हो गया। और अब अपने को ये दो लाइंस की ज़रूरत नहीं है तो सेलेक्ट करके डिलीट, और 3D में देखेंगे और अपने ये जो टाइल्स है पूरे क्रिएट हो गए। अब उसके बाद अपन लोग यहाँ पे जो रिज है वो लगाएंगे। तो रिज लगाने के लिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट आर्किटेक्चर में यहाँ पे कंपोनेंट में, और यहाँ पे जैसा आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड था मैं कहना, यहाँ से अगर आपके पास सेलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप रूफ रिज एंड हिप कैप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के बाद पिक लाइंस टूल सेलेक्ट करके आपको जो एज है वो सेलेक्ट करना है रूफ़ की जो एज है। तो जैसे आप लोग जूम करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लू लाइन, तो आपको क्लिक करना है। लेकिन तो अगर आप लोग ये जो एज है आप लोग सेलेक्ट नहीं कर सक रहे हैं तो बस खाली कर्सर ले जाके टैप की प्रेस करें तो ये ब्लू ये जो एज है वो हाईलाइट हो जाती है। इसके बाद आपको क्लिक करना है और ये अपना जो रिज है क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर अपन अब हिप पे भी जो है सो ये हिप भी अप्लाई कर देंगे हिप के लिए भी। तो फिर यहाँ से आप ये जो पिक लाइंस टूल है सेलेक्ट करके जूम इन करके जैसे आप लोग देख सकते हैं ये एज हाईलाइट हो गई, फिर क्लिक, और यहाँ पे भी सेम रिपीट करना है आपको। ये जो डैश लाइन दिख रही है आपको उस पर फोकस करना है। अगर ये डैश लाइन अगर विजिबल है तो मतलब ये जो एज है वो सेलेक्टेड नहीं है। इसके लिए आपको टैप की प्रेस करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं डैश लाइन चेंज हो गई, फिर और एक वक्त फिर और अब ये डैश लाइन जो थी वो अब विजिबल नहीं है, मतलब ये सीधा एज पे है इसकी। तो उसके बाद आपको क्लिक कर देना है जैसे डैश लाइन गायब हो जाए। उसके बाद आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे भी सेम वही रिपीट करना है। और अपन लोग यहाँ पे रूफ टाइल्स और ये रिज और हिप सब क्रिएट कर लिए। उसके बाद अब अपन यहाँ पे एक फिनियल लगा देंगे। तो फिनियल लगाने के लिए आपको लेवल 2 पे जाना है।
और जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपना पूरा रूफ़ विजिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको व्यू रेंज में जाना होगा। तो यहाँ पे एक्सटेंड्स में यहाँ पे व्यू रेंज है, तो इस पर एडिट करने के बाद अपन इसको बढ़ा देंगे, जो टॉप ऑफसेट है इसको 15 फिट कर देंगे। और यहाँ जो कट प्लेन है, कट प्लेन को अपन 10 कर देंगे। अगर आप लोगों को व्यू रेंज समझने में मुश्किल है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसके बाद फिर कभी सिर्फ व्यू रेंज पे हिंदी में एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। फिर यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं, और अपना रूफ़ पूरा विजिबल हो गया। और फिर अपने को अभी यहाँ पे कंपोनेंट में जाना है, फिर ये लिस्ट में से यहाँ पे रूफ़ फिनियल है, ये दो फैमिलीज भी अपन इम्पोर्ट करें। आप लोग ये मेरे ब्लॉग पे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रूफ़ फिनियल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देंगे अपन। और ये कॉर्नर पे भी एक, अगर अपन 3D में गए तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, अपन रूफ फिनियल भी क्रिएट हो गया। थोड़ा फ्रंट व्यू में जाके अपन इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, जैसा इसको सेलेक्ट करके आप एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे भी ये थोड़ा अंदर चले गया, तो मैं इसको ऊपर ला लेता हूँ। वैसे आप लोग चाहे तो ये पूरा बेस के साथ बाहर ला सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसा रख देता हूँ। उसके बाद और अपना ये पूरी तरह ये रूफ, अच्छा टॉप व्यू में फिर से अपन इसको एडजस्ट कर देंगे थोड़ा। और इस तरह अपना पूरा रूफ क्रिएट हो गया। अगर आपको इसका मटेरियल चेंज करना है, तो मटेरियल चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे मैनेज में जाना होगा, मैनेज के बाद मटेरियल्स, और यहाँ पे बस आप रूफ टाइप कर दीजिए। और यहाँ पे जैसा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रूफ रिच एंड हिप भी आ गया और रूफ टाइल्स भी आ गए, दोनों के मटेरियल्स यहाँ पे आ गए। तो आप मैं इसको सिलेक्ट करके अपन इसको चेंज कर देंगे। अपीयरेंस में जाके यहाँ पे वॉल पेंट जो है ये कलर पे क्लिक करके इसको आप डार्क करना चाह रहे हैं, या तो अपन इसको डार्क कर देंगे थोड़ा। ओके करने के बाद जैसा आप लोग देख सकते हैं, अगर एक को आप चेंज करें तो दूसरा रूफ टाइल्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता। उसके बाद फिर ओके, और अपने मटेरियल्स चेंज हो गए। अगर आप इसका मटेरियल चेंज करना चाह रहे हैं ये फिनियल का, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट टाइप, और फिर यहाँ पे मटेरियल्स एंड फिनिशेस में यहाँ पे मटेरियल है रूफ फिनियल, इस पर क्लिक करके यहाँ अपीयरेंस में जाके आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ओके ओके ओके, इस तरह हमने इसका मटेरियल चेंज करना भी सीख लिया। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं करे तो। और तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।